हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। इस बार मैं एक अलग तरीके से रीडिंग करना चाहती हूँ, जो कि एक ड्रॉ के ज़रिए मैं लूँगी। दो साइंस और 12 साइंस होते हैं, तो मैं ड्रॉ के ज़रिए दो साइन निकालूंगी और उसमें देखूँगी कि किन की मैं लव रीड कर सकती हूँ। दो साइन होंगे, उनकी लव रीड करूँगी आपस में, और उनके नाम मैंने इस तरह से लिख लिए हैं। देख लें, आपको दिखाती हूँ, आपको ही दिखाऊंगी, जाहिर सी बात है। ये इस तरीके से मैंने इनका पेपर्स में उनके नाम लिखे हैं। ये 12 साइंस है। पहले तो मैं सोच रहा था कि बिल्कुल हर रीडिंग के लिए लिखूं अलग अलग, लेकिन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इस तरह से बहुत नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं हर साइन के साथ अलग अलग रीडिंग करूँ हर साइन की, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से मैं एक कुरानदाजी की तरह लकी ड्रॉ, जो लकी होंगे उनका नाम इसमें निकल आएगा। देखते हैं कि दो कौन से साइंस हैं जिनकी मैं रीडिंग करूँगी इस वक्त। या आपको ये तो यूनिवर्स ही बेहतर जानती है, गॉड नोस। ओके, गोइंग टू चूज वन। टॉरस, और एक और कौन सा साइन है, और से देख लेंगे, टॉरस है। ओके, एक और कौन सा साइन है, कैप्रिकॉन। ओके, दो साइन टॉरस एंड कैप्रिकॉन, इन दोनों की मैं लव रीड करूंगी आपस में, क्या इनके आते हैं। ओके, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं टू साइंस की आपस में लव रीड करती हूँ तो किस तरह उसका स्प्रेड कैसा होता है। यहाँ पे टॉरस के कार्ड्स होंगे, यहाँ पे कैप्रिकॉन के होंगे, और देखते हैं कि टॉरस और कैप्रिकॉन अगर आपस में डील करें तो उनकी क्या मैसेजेस हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। डेथ कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड, सेवन ऑफ कप, टेन ऑफ सोर्स। ओके, अब कैप्रिकॉन के लिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉन, अगर कैप्रिकॉन टॉरस से डील कर रहे हैं। थ्री ऑफ कप, पेज ऑफ कप्स, ये तीन कार्ड हैं तो मैं इनको कंसीडर नहीं कर सकती। ओके, ओके, कैप्रिकॉन्स, वन मोर कार्ड फॉर कैप्रिकॉन। फोर ऑफ वैंड, वन मोर कार्ड फॉर कैप्रिकॉन, अगर कैप्रिकॉन टॉरस से रीड कर रहे हैं। ओके, सो वांड्स, नाइस कार्ड। ओके, और आप लोगों की म्यूचुअल जो एनर्जीज हैं वो क्या है। व्हाट आर म्यूचुअल एनर्जीज फॉर टॉरस एंड कैप्रिकॉन रिलेशनशिप, व्हाट आर म्यूचुअल एनर्जीज फॉर टॉरस एंड कैप्रिकॉन रिलेशनशिप। सो आपकी म्यूचुअल एनर्जी जो वो है वो ये है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड
सिक्स ऑफ वांड। आप लोग की जो म्यूचुअल एनर्जीज हैं उसमें आप लोग म्यूचुअल एनर्जी जो है आपके रिलेशनशिप की, उसमें किंग ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ वांड्स हैं। लाइक आप लोगों की जो रिलेशनशिप है उसमें की जो है सक्सेस की वो है कम्युनिकेशन। आप लोगों को कम्युनिकेट करना है एक दूसरे से, क्लियर करनी है चीज़ें। इसके अलावा कम्युनिकेशन करने से आप लोगों को एक दूसरे के बारे में जो चीज़ रियलाइज़ होगी वो इस कनेक्शन को आगे लेके जाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है। या फिर कोई ऐसा डिसीजन लेना है जो इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल कर सके, लाइक उसमें कुछ बेहतरी लेके आ सके वो डिसीजन। और वो डिसीजन कौन लेगा ये आपको डिसाइड करना है। वो पर्सन जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, यहाँ पर मुझे टॉरस जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज नज़र आ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा पेन में है क्योंकि उन्हें सही तरीके से सिचुएशन क्लियर नहीं है। जो टॉरस है उन्हें बिल्कुल सिचुएशन सही तरीके से क्लियर नहीं है और उनके लिए ये सिचुएशन बिल्कुल डेड हो चुकी है। लाइक जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल डेड है टॉरस के लिए और वो समझते हैं कि अब इसमें कोई बेहतरी नहीं आ सकती, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं और वो आंसर तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। या तो वो कैप्रिकॉर्न से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कोई रास्ता निकल आए बात करने का, या फिर वो स्पाई करें कैप्रिकॉर्न को सोशल मीडिया पे, उनकी तरफ से कोई न्यूज़ उनके पास नहीं आ रही, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं और वो चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से उनसे बात हो जाए या फिर वो कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ से जो कि उन्हें नहीं मिल रही है। तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बिल्कुल इनसिक्योर और बहुत ज़्यादा पेन में महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि कैप्रिकॉर्न ने उन्हें धोखा दिया है, लाइक स्टैब इन देयर बैक। कैप्रिकॉर्न ने उन्हें बहुत ज़्यादा पेन दिया है, धोखा दिया है और कैप्रिकॉर्न की तरफ से उन्हें बहुत ज़्यादा शदीद सदमा भी मिला है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक पर्सन है जो जिसे एक डिसीजन लेना है, उसको कोई रियलाइज़ करना है कुछ। यहाँ पे ऐसा लगता है कि टॉरस बिल्कुल घोस्टेड है और जो इनके बरअक्स ये जो भी सिचुएशन है उसे क्लियर करने के लिए ही टॉरस जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न के हवाले से। उन्हें लगता है कि टॉरस उनके साथ कुछ चीटिंग की सिचुएशन है, इस वजह से कन्फ्यूज हैं वो, इसलिए उनको क्लियर करना है बातों को, कुछ बातें क्लियर करनी है, कुछ रिकॉग्नाइज करना है। या तो टॉरस को कुछ रिकॉग्नाइज हुआ है कि कैप्रिकॉर्न के हवाले से किसी के बारे में कोई चीज़ जो है वो लाइम लाइट में आई है, इस वजह से टॉरस जो है बहुत ज़्यादा सदमे में मुझे नज़र आ रहे हैं और वो उनको लगता है कि और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में। अगर ये पेनफुल सिचुएशन है तो उसे एंड करना चाहते हैं। अगर ये ऐसी बात नहीं है कि कैप्रिकॉर्न की तरफ से टॉरस को कोई चीटिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ा हो तो और इस वजह से वो सदमे में है, अगर ये कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है कि आप लोग सेपरेशन में थे, आप लोगों का ब्रेकअप था, लेकिन टॉरस जो है वो बहुत ज़्यादा पेन में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे, तो अब उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है, वो उस पेनफुल सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं क्योंकि जो भी ये पेनफुल सिचुएशन थी वो एंड होने जा रही है। टेन ऑफ सोर्ड्स है, वो इसे एंड करना चाहते हैं, इसी के लिए वो रास्ते तलाश कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न से बात करने के। वो इस सदमे से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ चुके हैं और अब वो रास्ते तलाश कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न से बात करने के लिए, क्योंकि बात करने से ही ये सिचुएशन का कुछ हल निकलेगा, कुछ रिकॉग्निशन होगी आप लोगों को एक दूसरे के साथ, तो जाकर ये कन्फ्यूजन जो टॉरस के माइंड में है वो दूर हो सकेगी। लेकिन उसके बरक्स जो कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज़ हैं वो ये हैं कि कैप्रिकॉर्न हो सकता है वो अपनी फ्रेंड और फैमिली में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, बट वो अपने दिल में चाहते हैं कि अब जो है सोल्यूशन निकल आना चाहिए इस सिचुएशन का। अगर कैप्रिकॉर्न बात नहीं करना चाहते थे पहले, तो अब वो रेडी हैं बात करने के लिए और कैप्रिकॉर्न फॉरगिवनेस चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न की तरफ से अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है जिससे आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है या टॉरस जो है उनको हर्ट किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, चीटिंग सिचुएशन जैसे मैंने कहा कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन से के में है कैप्रिकॉर्न, टॉरस को ये रियलाइज़ हो चुका है, ये चीज़ उनके सामने आ चुकी है, ये रिकॉग्नाइज कर लिया है टॉरस ने, दैट्स वाई उनको लगता है कि ये सिचुएशन डेड हो चुकी है, रिलेशनशिप डेड हो चुका है। लेकिन वो अभी भी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहते हैं,
जिस जो क्यों कम्युनिकेशन करके ही हासिल हो सकती है। तो टॉरस कम्युनिकेट करने के लिए रेडी हैं। पहले हो सकता है उन्होंने सिचुएशन को डेड कर दिया हो, बिल्कुल रिलेशनशिप से कट आउट कर लिया हो, लेकिन अब जो है टॉरस को ये रियलाइज़ हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि वो उन्हें एक मौका देना चाहिए टॉरस को बात करने का, क्योंकि टॉरस की तरफ से फॉरगिवनेस की हो सकता है अपॉलोजी आ रही हो बात करने के लिए, और टॉरस पूरी तरीके से जो है वो स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप की। या कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि टॉरस और कैप्रिकॉन में लव कनेक्शन था, और अब जो है ये कनेक्शन जो है वो इस बात से ख़त्म हो रहा है कि कैप्रिकॉन जो है कोई एक पर्सन वो उनकी इंगेजमेंट या शादी किसी और से हो रही है, उनकी लाइफ में कोई और पर्सन आ रहा है। और आपकी साइड से ये आप लोगों की रिलेशनशिप में ये सिचुएशन बन सकती है कि आप लोगों की जो है पॉसिबिलिटी नहीं बन रही हो मैरिज की या शादी की, या लाइक मैरिज की या कनेक्शन की, लव कनेक्शन की। तो हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गई हो। और टॉरस कैप्रिकॉन जो है मुझे ऐसा लगता है वो किसी कनेक्शन में एंटर हो रहे हैं जो कि जिसको वो पूरी इंजॉय भी कर रहे हैं, और ये न्यूज़ जो है वो मिल सकती है टॉरस को। ये कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हो सकती है। अगर नहीं है, अगर टॉरस के साथ कैप्रिकॉन जो है वो सिंसियर हैं और वो चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म करके, जो भी है ये सिचुएशन ख़त्म करके वो एक अपॉलोजी ऑफर कर रहे हैं टॉरस को, तो टॉरस भी उन्हें एक मौका दे सकते हैं कम्युनिकेट करने का। लेकिन यहाँ पर ये सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ऐसा लगता है मुझे कि एक पर्सन से सिचुएशन एंड करके किसी दूसरे पर्सन के साथ कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कैप्रिकॉन की तरफ से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है। हो सकता है कि आप लोगों की पॉसिबिलिटी ना बन रही हो एक दूसरे से शादी करने की या लव कनेक्शन बनाने की, तो कैप्रिकॉन जो है वो हो सकता है उनकी फैमिली उन्हें फोर्स कर रही हो कि वो अब शादी करें, और वो किसी और से शादी, मतलब उनकी जो शादी है वो उनके उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है उनसे हो रही है। तो यहाँ पे क्लेरिफाई करते हैं कुछ सिचुएशंस को। ये सबके लिए नहीं हो सकती हैं, जिस तरीके से जिसके लिए ये सिचुएशन बनती है आप उसी चीज़ को कंसिडर करें। और ये एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, ये कैप्रिकॉन की हो सकती है, ये टॉरस की हो सकती है, ये जनरल रीडिंग है जो किसी के साथ भी कैसे भी रेजोनेट हो सकता है। तो पहले कुछ लोगों के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों की तरफ से बिल्कुल सिचुएशन वो डेड हो गई थी एक पर्सन की तरफ से, और दूसरे पर्सन जो है उसे वो बहुत ज़्यादा अपॉलोजी चाह रहा है, और जो जो जिस पर्सन की तरफ से सिचुएशन को डेड किया गया, लाइक कि बिल्कुल गोस्टेड कर दिया गया था, तो वो पर्सन अब रियलाइज़ कर रहा है कि उन्हें क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए और एक चांस देना चाहिए अपनी बात को करने का। तो देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं टॉरस के लिए क्लैरिफाई करने के लिए। यहाँ पर टॉरस इमोशनली वॉकआउट कर चुके हैं इस रिलेशनशिप, डिटैच्ड हैं, ड्रेन हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड हैं वो इस रिलेशनशिप के हवाले से। उन्होंने कैप्रिकॉन की तरफ से कुछ रिकॉग्नाइज हुआ है, कुछ उन्हें पता चला है, उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कैप्रिकॉन की तरफ से, यही हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर मैरिज विद समवन एल्स, किसी और के साथ मैरिज। एक और कार्ड लेते हैं टॉरस के लिए। सेवन ऑफ कप के साथ सेवन ऑफ पेंटिकल भी है, तो टॉरस जो है वो अपने जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है कि जो उन्होंने नर्चर करने की कोशिश की थी इस रिलेशनशिप को, उन्हें वो रिज़ल्ट नहीं मिला, इसलिए वो वॉकआउट कर गए कैप्रिकॉन की तरफ से। उन्हें लगा कि कैप्रिकॉन उनके लिए सीरियस नहीं है और वो जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो उन्हें नहीं मिली, लाइक वो स्टेबिलिटी का इंतज़ार कर रहे थे इस कनेक्शन में। आप लोगों का लव कनेक्शन बहुत अरसे से था, लेकिन टॉरस चाहते थे कि ये एक ऑफिशियल कनेक्शन बने, लाइक मैरिज में कन्वर्ट हो, लेकिन कैप्रिकॉन की तरफ से वो नहीं रिज़ल्ट दिए जा रहे, इसलिए जो टॉरस हैं वो वॉकआउट कर चुके हैं यहाँ से। और ये कैप्रिकॉन के लिए दो कार्ड्स, लाइक सॉरी कैप्रिकॉन के लिए, ये टॉरस के लिए ही हैं, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स। टेन ऑफ सोर्ड दोबारा आया है टॉरस के लिए, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एंजाइटी और पेन में है टॉरस।
यहाँ पे ये मुझे सही सीधी सीधी चीटिंग सिचुएशन नज़र आ रही है कि आप लोग टॉरस को चीटिंग बर्दाश्त करनी पड़ रही है कैप्रिकॉर्न की। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ये हर किसी के लिए नहीं है। जिन लोगों को पता है कि ये चीटिंग सिचुएशन है वो समझ रहे होंगे मैं उन्हें क्या कहना चाह रही हूँ, और जिन लोगों के लिए चीटिंग सिचुएशन नहीं है और अगर ये सिचुएशन है कि आप दोनों की मैरिज पॉसिबल नहीं हो पाई तो कैप्रिकॉर्न को फैमिली की तरफ से फोर्स किया जा रहा हो शादी करने के लिए, और कैप्रिकॉर्न जो है वो मजबूरन किसी और से शादी कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन बन सकती है। इस वजह से टॉरस बहुत ज़्यादा पेनफुल पेनफुल सिचुएशन में है। और आपको यही रियलाइज़ कर लेना चाहिए कैप्रिकॉर्न के लिए एक ये कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, एक नई स्टेबल ऑफर है कैप्रिकॉर्न्स की लाइफ में जो कि थर्ड पार्टी, डेफिनेटली दिस इज़ थर्ड पार्टी। वो इस ऑफर, ये स्टेबल ऑफर है लाइक मैरिज कनेक्शन है, ये एक इस प्रोसेस को एंड कर सकता है उनकी लाइफ से जो कि चल रहा था। और लेकिन वो फिर भी डिसअपॉइंटेड हैं। कुछ लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं कि वो टॉरस से ही अपने लाइफ को आगे बढ़ाना चाह रहे थे टॉरस के साथ, बट उनकी लाइफ में कोई और आ रहा है, उनके साथ पॉसिबल नहीं हो पाया तो उनकी लाइफ में कोई और आ रहा है, इस वजह से वो डिसअपॉइंटेड। लेकिन कुछ कैप्रिकॉर्न जो हैं, अगर कोई चीटिंग सिचुएशन है तो कुछ कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इंजॉय भी कर रहे हैं। एक और कार्ड लेते हैं कैप्रिकॉर्न्स के, एट ऑफ वॉन्ट्स। सो डेफिनेटली जो चीज़ें हैं वो रैपिडली चेंज हो रही हैं कैप्रिकॉर्न की लाइफ में। उनकी बातचीत बहुत ज़्यादा चल रही है उस पर्सन से, कोई नया पर्सन की लाइफ में है तो उससे बातचीत चल रही है, या फिर फैमिलीज़ की आपस में बातचीत चल रही है जो अरेंज मैरिजेस की तरफ जिनका रुझान होता है उनके हवाले से कह रही हूँ कि वो फैमिलीज़ की तरफ, उनकी फैमिलीज़ में और उस पर्सन की फैमिली में जिनके साथ उनकी बातचीत चली है आपस में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रही है उनकी शादी के हवाले से। मैरिज प्रपोज़ल है कैप्रिकॉर्न की लाइफ में, एक लाइफ चेंजिंग प्रोसेस शुरू हो रहा है उनकी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन है और थर्ड पार्टी सिचुएशन है। हो सकता है कैप्रिकॉर्न की फैमिली की फोर्स करने के बाद वो करना चाह रहे हो लेकिन फिर भी वो हार्ट ब्रोकन है, उनका हार्ट जो है वो अभी भी टॉरस के लिए है। सो यहाँ पर देखते हैं रोमांस एंजल ओरेकल मैसेज क्या बनता है। ओके हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट एज योर फॉरगिव योर पेरेंट। फैमिली इशू है आप लोगों का, अगर आप दोनों की टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की फैमिलीज़ के दरमियान कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं या कोई आपकी फैमिलीज़ आपस में नहीं मान रही हैं तो छोड़ दें आप उसे। एक और कार्ड लेते हैं आपके लिए, जस्ट वन कार्ड। Why cards are so disturbs? I want one card more. One more card. One more card. Please, universe. Please. दो कार्ड आए हैं आपकी किस्मत में। Very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Okay. Pay attention to the red flag. The signs are cautioning you. यहाँ पर red flags की का जो advice है वो ये उनके लिए है जो third party से गुजर रहे हैं। अगर किसी ने cheat किया है, cheating situation है, तो ये red flag वाली जो message है ये उनके लिए, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई person serious नहीं है, third party में involved है, तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। और अगर फैमिलीज़ की वजह से, फैमिली के इशू की वजह से आप लोगों के दरमियान कुछ नहीं बन सके, आप लोगों का आप लोग एक दूसरे के से अलग हुए हैं अपनी फैमिलीज़ की वजह से,
तो भी आप अपने आप को हील करने की कोशिश करें कि ये यूनिवर्स की तरफ से ही हो सकता है कि ऐसा होना पॉसिबल ना हो। और अब आपकी फैमिलीज़ में अगर पेरेंट्स की वजह से हो रहा है तो अपने पेरेंट्स को माफ़ कर दें, लाइक उनको। और एक और आपकी जो थर्ड मैसेज है वो है वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो आपको सब चीज़ों को सोच समझ के फैसला करना चाहिए, आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। जो बेहतर हो इस वक्त इस सिचुएशन में आप वो करें, क्योंकि जैसा हो रहा होता है वही होना होता है, और आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो हो रहा होता है आप उसे बदल नहीं सकते और उसे रोक भी नहीं सकते। तो जो जैसा हो रहा है उसके हवाले से आप डिसीजन लें और उसे एक्सेप्ट कर लें जितना जल्दी हो सके। सो टॉरस एंड कैप्रिकॉन, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। इफ़ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज़ लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको ये रीड कैसा लगा। ओके, बाय बाय।